आधी रात के वक्त राजा अशोक अपने कक्ष में गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी उनकी आंख घुंघरुओं की तेज आवाज से खुल जाती है। राजा अशोक चौंक कर उठ जाते हैं। ये तो चंद्रमुखी के घुंघरुओं की आवाज है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसे तो आज हमने जिंदा जलाकर मार दिया था। तभी राजा अशोक के कानों में एक औरत की भारी आवाज टकराती है। तूने मुझे जिंदा जलाकर मार दिया, अब मैं तुझे और तेरे खानदान को जिंदा जलाकर मार डालूंगी। तेरी आने वाली नस्लों को मैं तबाह कर दूंगी। राजा अशोक इधर उधर देखने लगे, तभी कक्ष में काला धुआं फैलने लगा। अचानक वो काला धुआं एक बड़ी ही खौफनाक दिखने वाली जली हुई औरत में तब्दील हो गई। तुम तो चंद्रमुखी हो। हाँ, मैं चंद्रमुखी हूँ, जो तुझसे बदला लेने के लिए दोबारा इस दुनिया में आई हूँ। और जब तक तेरे खानदान का नामो निशान नहीं मिटा देती, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। अचानक राजा अशोक के जिस्म में आग लग गई और वो बुरी तरह से चीखने लगा। उसकी चीख सुनकर उसकी बीवी रानी रुक्मिणी और महल के राजगुरु धोया आए, मगर सामने खड़ी खौफनाक बला को देखकर राजगुरु ने चीखते हुए रानी रुक्मिणी से कहा, महारानी, ये तो चंद्रमुखी है जो वापस आ गई है। अपने बच्चे को लेकर इस महल से बहुत दूर चली जाइए और दोबारा यहाँ कभी मत आइएगा। मैं चंद्रमुखी को इस कमरे में कैद कर दूंगा। जिस दिन ये दरवाजा खुला, उस दिन चंद्रमुखी आजाद होकर कह उठा देगी। इतना कहकर राजगुरु ने अपने गले में टंगा हुआ ओम का लॉकेट उतारकर चंद्रमुखी के सामने रख दिया। चंद्रमुखी फिर से काले धुएं में तब्दील हो गई। राजगुरु तुरंत रानी रुक्मिणी को देखकर राजा अशोक के कक्ष से बाहर आ गए और दरवाजा बंद कर दिया और उस ओम के लॉकेट को दरवाजे की कुंडी पर बांध दिया। इस घटना के 200 साल बाद कौशल्या देवी अपने बंगले के गार्डन में पौधों में पानी डाल रही थी कि तभी एक लग्जरी कार वहां पर आकर रुक गई। उस कार के अंदर से कौशल्या देवी का बेटा आर्यन एक खूबसूरत लड़की के साथ उतरकर कौशल्या देवी के सामने खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग अम्मी। लगता है लंदन में रहकर तुम अपने संस्कार भी भूल गए हो। आर्यन, हमारे यहाँ नमस्ते किया जाता है, और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? अम्मी, इसका नाम पूनम है। मैंने पूनम से लंदन में ही शादी कर ली। ये आपकी बहू है। लंदन में शादी कर लिया? अरे बेवकूफ, अगर तू मेरी खूबसूरत बहू को शादी के पहले यहाँ ले आता तो मैं तेरी शादी शाही रीति रिवाजों से करवाती। तुझे कोर्ट मैरिज करने की क्या जरूरत थी? तभी कार के अंदर से एक आदमी एक खूबसूरत लड़की के साथ उतरकर आर्यन के बगल में खड़ा हो गया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहा, अम्मी, ये मेरा दोस्त राहुल है और ये है इसकी बेगम दिशा। ये दोनों अमेरिका में ही रहते, कुछ दिन इंडिया घूमने के लिए मेरे साथ आए हैं। कौशल्या देवी उन सबको बंगले के अंदर ले आई। कुछ देर के बाद आर्यन ने अपनी माँ से कहा, पूनम का हमारी संग्रामपुर की हवेली को देखने का बहुत मन कर रहा था। वो क्या है ना, पूनम को इतिहास में बहुत दिलचस्पी है। सच कहूँ तो राहुल और निशा भी सिर्फ हमारे संग्रामपुर के हवेली को देखने के लिए अमेरिका से यहाँ तक आए हैं। बेटा, तू तो जानता है कि वो हवेली श्रापित है। उसके बारे में अजीबोगरीब बातें मशहूर हैं। तेरे पापा मुझे भी हमेशा वहाँ जाने से मना करते थे। ये सब पुरानी बातें हैं अम्मी, आज का जमाना बहुत बदल चुका है। अगर आपका जाने का मन नहीं है तो आप मत जाइए, लेकिन मैं अपने बेगम और दोस्तों के साथ उस हवेली में जरूर जाऊंगा। नहीं बेटा, मैं तुझे अकेले वहां पर जाने नहीं दूंगी। अगर तेरी बीवी और तेरे दोस्तों का इतना ही मन है तो फिर मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। अगले दिन वो सब संग्रामपुर की एक सड़क पर खड़े थे। आर्यन हाथ में मैप पकड़े हुए था। तभी उसका दोस्त राहुल आर्यन से हंसते हुए कहता है, अरे यार, ये 200 साल पुराना मैप है। 200 साल में दुनिया बदल गई है। किसी से कंफर्म कर लेना कि तेरी हवेली कहाँ है। राहुल की बात पर दिशा हंसने लगी। राहुल सही कह रहा है, वैसे भी वो हवेली तुम्हारे पूर्वजों की है। आफ्टर ऑल, तुम उस हवेली के राजा ही हुए। तभी उन सब के कानों में एक साधु की आवाज टकराई। कौन हो तुम सब और यहाँ क्या कर रहे हो? हमें संग्रामपुर के हवेली में जाना है। संग्रामपुर की हवेली के बारे में सुनकर साधु चौंक पड़ा। संग्रामपुर की हवेली में
तुम सबका क्या काम? आप चाहे तो कह सकते हैं कि मैं उन्हीं पूर्वजों का वंशज हूँ। समझ गया, मेरा कहा मानिए तो शहर वापस लौट जाइए। संग्रामपुर की हवेली हवेली नहीं बल्कि मौत की हवेली है। उस हवेली में आज भी चंद्रमुखी के घुंघरू की आवाज लोगों को सुनाई देती है और उसकी चीखें सोने नहीं देती। साधु महाराज, हमें यह कहानी मत सुनाइए, हमें बस इतना बता दीजिए कि हवेली यहाँ से कितनी दूर है। लगता है तुम नहीं मानोगे, तो ठीक है सुनो। तुम जिस सड़क पर खड़े हो, इस सड़क से सीधे रास्ते पर चले जाओ, तुम्हें हवेली दिख जाएगी। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। आर्यन, दिशा और राहुल कार में बैठे ही थे। कुछ ही वक्त में वो सब हवेली के सामने थे। हवेली को देखकर पूनम हैरानी से बोली, आर्यन, ये हवेली का महल ज्यादा लगता है। पूनम, मैंने तो तुम्हें बताया तो था कि हमारा खानदान शाही घराने से है। हवेली तो लोग इसे कहते हैं, असल में तो ये महल है। चलो अंदर चलते हैं। कुछ ही वक्त के बाद वो सब हवेली के अंदर खड़े थे। तभी पूनम की नजर हवेली के कमरे की ओर चली गई। इस कमरे के बाहर ये ओम का लॉकेट क्यों बंधा हुआ है? कहते हैं इसी कमरे के अंदर चंद्रमुखी की रूह का वास है। ये कमरा किसी भी कीमत पर खोलना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि अब हम सबको सो जाना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं अम्मी। राहुल और दिशा एक कमरे में शिफ्ट हो गए। पूनम और आर्यन हवेली के दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए और कौशल्या देवी भी एक अलग कमरे में सो गईं। आधी रात का वक्त हो चुका था। अचानक पूनम के कानों में घुंघरू की आवाज टकराई। ये तो घुंघरू की आवाज है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस हवेली के अंदर कोई औरत डांस कर रही हो, मगर ये हवेली तो सालों से बंद पड़ी हुई थी। पूनम उस दिशा की ओर चल पड़ी जहाँ से घुंघरुओं की आवाज आ रही थी। कुछ ही वक्त में पूनम उस कमरे के सामने खड़ी थी जिस कमरे के बाहर ओम का लॉकेट बंधा हुआ था। आवाज तो इसी कमरे से आ रही है, लेकिन माँ ने इस कमरे का दरवाजा खोलने के लिए मना किया है। जो भी हो, मुझे देखना तो पड़ेगा ही कि अंदर क्या है। पूनम ने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया, मगर सामने का मंजर देखकर पूनम की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गईं। एक जली हुई औरत घुंघरू पहनकर डांस कर रही थी। अचानक वो काले धुएं में तब्दील हो गई। पूनम ने जैसे ही चीखने के लिए अपना मुंह खोला, वो काला धुआं पूनम के मुंह के अंदर घुस गया। कुछ ही वक्त में पूनम का चेहरा खौफनाक हो गया और वो तेज रफ्तार से बाहर निकलकर डांस करने लगी। अचानक कमरे में सो रही दिशा की आंख खुल गई। ये घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है? दिशा ने अपने पति राहुल को नींद से जगाकर कहा, राहुल देखो ना, ये घुंघरू की आवाज कहीं से आ रही है, लगता है बाहर कोई है। राहुल ने आंख मसलते हुए कहा, सो जाओ दिशा, जरूर आर्यन होगा जो हमें डराने के लिए ये सब कर रहा है। नहीं राहुल, मुझे तो कुछ और भी लग रहा है, हमें बाहर जाकर देखना चाहिए, मुझे डर सा लग रहा है। ठीक है चलो देखते हैं कि बाहर कौन है। राहुल और दिशा अपने कमरे से बाहर निकल आए, मगर सामने का मंजर देखकर दिशा कांप उठी। ये तो पूनम है, इसका चेहरा कितना खौफनाक हो गया है। वो राहुल और दिशा को बुरी तरह से घूरते हुए बोली, मैं बरसों से कमरे में बंद थी, आज मौका मिला है, अब मैं राजा अशोक के खानदान का नामो निशान मिटा दूंगी, तुम सब मरोगे। अचानक राहुल और दिशा के जिस्म में आग लग गई। वो दोनों बुरी तरह से चीखने लगे। उन दोनों की चीख सुनकर आर्यन और उसकी माँ कौशल्या अपने अपने कमरे से बाहर निकल आए। कौशल्या देवी कांपते हुए आर्यन से बोली, आर्यन ये तो बहू है, लगता है बहू के जिस्म के अंदर चंद्रमुखी की रूह घुस गई है, अब ये हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी पूनम के अंदर चंद्रमुखी की रूह आर्यन को देखकर भयानक अंदाज में हंसने लगी। तू ही राजा अशोक का आखिरी वंशज है, तुझे मार कर मैं अपना बदला पूरा करूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। इतना कहकर खौफनाक हो चुकी पूनम आर्यन के ऊपर झपटने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में एक भारी आवाज टकराई।
अपने कदम वही रोक ले चंद्रमुखी, और इस लड़की के जिस्म को छोड़ दे। आर्यन और कौशल्या देवी ने देखा कि एक बहुत बुजुर्ग साधु खड़े हुए खौफनाक हो चुकी पूनम को गुस्से भरी नजरों से देख रहे थे। खौफनाक पूनम उस साधु की ओर देखकर दूसरी औरत की आवाज में बोली, राजगुरु तू अभी तक जिंदा है? तूने ही मुझे राजा अशोक के कमरे में कैद कर दिया था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी उस बुजुर्ग साधु ने अपनी झोले से शमशान की राख निकालकर पूनम के जिस्म के ऊपर फेंक दी। अचानक खौफनाक पूनम का मुंह खुल गया। पूनम का मुंह खुलते ही वो काला धुआं बाहर आ गया। काला धुआं बाहर चला गया, पूनम बेहोश हो गई। किसी जमाने में मैं इस महल का बादशाह था, मैंने ही चंद्रमुखी के रूह को बादशाह अशोक के कक्ष में बंद कर दिया था, जिसे शायद तुम्हारी बेगम ने खोला होगा। लेकिन राजा अशोक तो 200 साल पहले हुआ करते थे। हाँ, हम साधु योग के सहारे सालों तक जिंदा रहते हैं। चंद्रमुखी राजा अशोक के दरबार में नर्तकी थी। जब राजा अशोक को पता चला कि चंद्रमुखी शैतान की पुजारिन है और वो काला जादू करने के लिए निर्दोष और मासूम लोगों की बलि दे देती है, तो राजा अशोक ने चंद्रमुखी को जिंदा जलवा दिया और चंद्रमुखी का रूह बदला लेने के लिए नरक से दोबारा लौट आई। तो क्या चंद्रमुखी का रूह यहाँ से चली गई? इस वक्त तो यहाँ से चली गई, लेकिन वो दोबारा वापस जरूर आएगी। इसीलिए तुम अब से कभी भी इस हवेली में मुड़कर कभी नहीं आओगे। इतना कहकर राजगुरु वहां से चले गए। आर्यन अपनी बीवी पूनम और माँ कौशल्या देवी को लेकर अपने शहर वापस आ गया। वो आज भी अपने दोस्त राहुल और दिशा को बहुत याद करता है।